अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह का आई मेकअप क्रिएट करने के लिए आप फुल वीडियो देखिएगा, और प्रैक्टिस बोर्ड के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस बोर्ड काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल। कई लोग बिगिनर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट प्रैक्टिस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अच्छी अच्छी आई लुक क्रिएट करने के लिए। है काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आप भी एक बिगिनर्स हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आपको भी आई लुक क्रिएट करना है तो आप ये ख़रीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। एक ही बार हमें परचेस करना है और हमारे टाइम के लिए, ये एक पीरियड के लिए हमारे बहुत काम आने वाला है प्रैक्टिस बोर्ड। आप देख सकते हैं इसे मैंने अपनी मार्केट से परचेस किया है, 700 में मैंने परचेस किया है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसे परचेस किया है, और आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी परचेसिंग हो रही है तो काफ़ी कॉस्टली हो रही है। कम से कम 1500 या 1200 में ही सेलिंग हो रही है इसकी। तो इसे मैंने अपने मार्केट से किया है। अगर आप भी 700 या 800 में से परचेस करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर भी चेक कर सकते हैं, आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा। और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, सिलिकॉन का बना हुआ है। जैसे कि हमारी स्किन होती है दबाने पर दबती है, वैसे इसी तरह की इसकी भी स्किन है, सिलिकॉन का बना हुआ है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसकी आईब्रो को फिल करने के लिए हमें 2-3 आईब्रो के बाल भी दिए हुए हैं, उसकी मार्जिन लेते हमें अपने आईब्रो को फिल करना है। आप इसे पीछे से भी देख सकते हैं, पीछे एक मोटा प्लास्टिक लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है ये। और आई को सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक वाइट कलर का सिलिकॉन लगा हुआ है। आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसकी आईज़ के कलर की बात करूँ तो हमें एक ब्लैक में, ब्राउन में और ग्रे आईज़ में मिल जाता है, तो मुझे यहाँ ब्राउन आईज़ में मिला हुआ है। मैंने अपने मार्केट से ही परचेस किया है। काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हेल्पफुल है ये प्रैक्टिस बोर्ड। आप इसे ज़रूर परचेस कीजिएगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो। और इससे आपकी आई मेकअप जो होगा वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगा, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए हम आईब्रो को फिल करते हैं। सबसे पहले तो आईब्रो को मैंने कैसे फिल किया है, आईज़ के मिडल को लेकर एक पॉइंट और आई के कॉर्नर को लेकर एक पॉइंट और स्टार्टिंग में एक पॉइंट डाला है, और यहाँ मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ ब्राउनिश कलर लिया है, थोड़ा डार्कली ब्राउनिश है ये पाउडर कलर लिया है मैंने आईब्रो ब्रश में। तो इसे मैं हल्के हल्के हाथों से फिल करूँगी। इसकी अच्छी बात यह है कि इस पर आपको कोई भी फैसिलिटीज़ वो नहीं होगी कि आईब्रो बना हुआ हो या फिर कोई अच्छी, हमें यहाँ पर आईब्रो की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आई लुक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसकी जो आई का जो वो है, आईज़ भी इसकी बड़ी है, बिग है, तो हम इसे कोई भी आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो पाउडर से फिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ। पाउडर से फिल करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने फिर लाइनर का यूज़ किया। एक अच्छा लुक देने के लिए आईब्रो को, एक नेचुरल लुक देने के लिए मैंने यहाँ लाइनर का यूज़ किया है। हल्के हल्के हाथों से मैं छोटी छोटी सी लाइन क्रिएट कर रही हूँ आईब्रो पे, इससे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे आईब्रो, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह की आईब्रो क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह की आपको चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आईब्रो को फिल करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बाहर आया हुआ है तो उसे मैं कंसील कर रही हूँ कंसीलर ब्रश से। अच्छे तरीके से हमें कंसील करना है आईब्रो को ताकि वो एक अच्छे शेप में आ जाए। कंसील करने के बाद हमें अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अब
अब यहाँ सबसे पहले मैं एक लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ, अपनी क्रेज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। लाइट ब्राउन कलर है ये, अच्छे तरीके से हमें क्रेज लाइन पर ब्लेंड करना है। अब इसकी ब्लेंडिंग की बात करूँ तो इसकी ब्लेंडिंग 100% तो नहीं है जैसे कि हमारी स्किन पर ब्लेंडिंग होती है, बट अच्छी ब्लेंडिंग है इसकी, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा था। बस हमें इसे ज़्यादा कलर की ज़रूरत है, जैसे कि हम अपनी आइज़ पर थोड़ा सा कलर लेते हैं वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, पर इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा कलर अप्लाई करना है तब यह 100% होने वाली है ब्लेंडिंग इसकी। लेकिन ये एक बोर्ड है, हमारी स्किन तो नहीं है एकदम, इसीलिए 90% तक ब्लेंडिंग हो जाती है इसकी अच्छे तरीके से। लाइट ब्राउन कलर को ब्लेंड करने के बाद यहाँ मैं एक डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ आइज की क्रीज लाइन पर। उसी लाइट ब्राउन कलर के ऊपर हमें इसे भी ब्लेंड करना है। ये डार्क ब्राउन कलर है, कलर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ कंसीलर से कट क्रीज बना रहे हैं। कट क्रीज बनाने के बाद यहाँ मैंने एक डार्क ब्लू कलर का आई शेडो लिया है, उसे हम अपनी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। एकदम डार्क में अप्लाई करना है हमें ये आई शेडो। अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं एक व्हाइट कलर का सिल्वर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, उसकी हमें विंग क्रिएट करनी है। यहाँ मैंने विंग क्रिएट की है सिल्वर आईलाइनर से, बट वो ज़्यादा शो नहीं हो रही है, पूरा आई मेकअप ट्रीट करने के बाद वो शो हो रही थी। ब्लू कलर के आई शेडो के ऊपर अप्लाई करने से वो उतनी दिख नहीं रही थी वीडियो में, लेकिन जब हमारा पूरा आई मेकअप कम्प्लीट हो गया उसके बाद ये अच्छी शो कर रही थी। यहाँ मैंने विंग लाइनर क्रिएट किया है और लाइनर मैंने मोटा अप्लाई किया है आई के अकॉर्डिंग। लाइनर अप्लाई करने के बाद यहाँ मैंने नीचे लाइट ब्राउन कलर से ब्लेंडिंग की है लोअर लैश लाइन पर। लाइट ब्राउन कलर हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने लैशेस अप्लाई की है। लैशेस अप्लाई करने से हमारा आई मेकअप लुक एकदम खूबसूरत और प्रिटी हो गया था, इसलिए हमें लैशेस ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, उससे हमारे आई का जो गेम है पूरा चेंज हो जाता है। लैशेस अप्लाई करने के बाद नोज़ काउंटरिंग की है मैंने।
नोज़ को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। नोज़ को कंट्रोल करने के बाद यहाँ मैंने आई के कॉर्नर में एक गोल्डन शिमरी शेड अप्लाई किया है ताकि हमारी आई कॉर्नर हाईलाइट हो अच्छे तरीके से। उसके बाद हम ब्रो ब्राउन को हाईलाइट करेंगे, नोज़ को और फोरहेड को हाईलाइट करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ मैंने शुगर के हाईलाइटर यूज़ किया है। फोरहेड पर भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितनी प्रीटी लग रही है आईज और कितनी खूबसूरत लग रही है। ये आई मेकअप लुक आपको कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप इसे रिक्रिएट ज़रूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है यास्मीन खान ऑफिशियल। आपको ये लुक कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं मोर वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलती हूँ अगली वीडियो में आपको। अल्लाह हाफिज़।